आखिर उत्तराखंड चुनाव से पहले कांग्रेस में हलचल क्यों है? हरीश रावत ने गांधी परिवार के खिलाफ क्यों खोला मोर्चा? उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। किसी भी वक्त विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में तमाम सियासी दल चुनावी तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता आपस में उलझते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि पार्टी के सीनियर नेता और प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत रूठ गए हैं। उन्होंने एक के बाद एक अपने कई ट्वीट्स के जरिए कांग्रेस संगठन पर सवाल खड़े किए हैं और सियासी मैदान छोड़कर विश्राम करने तक के संकेत दे दिए हैं। अपने पहले ट्वीट में रावत ने लिखा है ना अजीब सी बात, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर कर खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। जिस समुद्र में तैरना है, सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। जिनके आदेश पर तैरना है, उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है। फिर चुपके से मन में एक कोने से आवाज उठ रही है, न दैन्य न पलायनम, बड़ी उपापोह की स्थिति में हूँ। नया वर्ष शायद रास्ता दिखा दे। मुझे विश्वास है कि भगवान केदारनाथ जी इस कश्मकश की स्थिति में मेरा मार्गदर्शन करेंगे। अब हरीश रावत ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ है कि कांग्रेस संगठन को लेकर वो खुश नहीं है। इतना ही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें चुनावी अभियान में जिस तरह के कदम बढ़ाने की जरूरत है, उसके लिए हाथ बांधे रखे गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान ने 72 साल के हरीश रावत को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने के साथ ही उनके करीबी माने जाने वाले गोदियाल को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान सौंपी है। वहीं रावत से धुर विरोधी माने जाने वाले प्रीतम सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर विधायक दल का नेता नियुक्त किया गया था। माना जाता है कि रावत की मर्जी से ही उत्तराखंड में कांग्रेस चुनाव के लिए टीम गठित की गई थी। इसके बावजूद हरीश रावत अब संगठन पर सवाल खड़े कर रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन है जो हरीश रावत के हाथों को बांधे हुए और उन्हें काम नहीं करने दे रहा। इंडिया न्यूज़ वारल की रिपोर्ट।